वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता स्वीट होम। मैं हूं श्वेता और फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूं जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा आपके चेहरे के लिए, स्किन के लिए। तो ये देखा आपको फ्लॉलेस स्किन, रेडिएंट और ग्लोइंग, इवन हेल्दी स्किन। तो फ्रेंड्स, अक्सर जो छाइया वगैरह हो जाती है, सन टैनिंग, जलनेस हो जाता है स्किन का, ब्लैक हेड्स, ये सारे को रिमूव करेगा और बहुत ही ज्यादा आपका स्किन करेगा ग्लो। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एलोवेरा फेशियल। तो ये 4 स्टेप फेशियल है जो बहुत ही आसानी से बन जाता है, तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी स्किन टाइप में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल को, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लींजर बनाएंगे जिससे हम अपने फेस को क्लीन करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है पतंजलि का एलोवेरा। आपके पास कोई भी एलोवेरा है, कोई भी प्रोडक्ट जो भी ब्रांड का, वो आप ले सकते हैं एलोवेरा 1 टेबलस्पून के बराबर। साथ में मैं इसमें डालूंगी रोज वाटर अराउंड 1/2 टेबलस्पून और 5 to 6 ड्रॉप्स लेमन जूस का, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इससे हम अपने फेस को क्लीन करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए एक्सेप्ट आइस। तो फ्रेंड्स, अब ये क्लींजर मैं अप्लाई करूंगी अपने पूरे ऑल ओवर फेस पे एक्सेप्ट आइस के। तो अच्छे से क्लीन करना है हमें मसाज देते हुए 2 से 3 मिनट के लिए रोटेशन मूवमेंट में। तो इससे होता है कि हमारी जो भी इम्प्योरिटीज है अपने फेस पे वो रिमूव होता है और पोर्स खुलते हैं, ब्रीथ कर पाता है अपना स्किन अच्छे से। तो बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा इफेक्ट आता है। फर्स्ट राउंड में ही आप देख सकते हैं बिल्कुल फेस क्लीन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल हल्के हाथ से जेंटली मसाज देना है। मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है इसलिए आपको जल्दी दिख रहा होगा, बट अच्छे से आराम से बिल्कुल जेंटली मसाज देना है। और फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा आप देख सकते हैं फर्स्ट हाफ में। तो इसे 2 से 3 मिनट लगाने के बाद हमें इसे 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और हल्का सा बस इसे पोंछ लेना है। वॉश नहीं करेंगे हम अपने फेस को, बस हल्का सा इसे रिमूव कर लेंगे। अब सेकंड स्टेप होगा स्क्रबिंग का। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून के बराबर राइस फ्लावर यानी चावल का आटा। चावल को बारीक पीस लेना है और छान लेना है, और इसमें गुलाब जल ऐड करेंगे और साथ में मैं ऐड करूंगी एलोवेरा। तो ये एलोवेरा फेशियल है तो ऑल स्टेप में हम एलोवेरा यूज़ करेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर एलोवेरा डालना है और इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। इसमें अगर पानी कम है यानी रोज़ वाटर, तो हम इसमें और ऐड करेंगे रोज़ वाटर, गुलाब जल, और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो ये हम चेहरे के स्क्रब करने के लिए बना रहे हैं जिससे हमारे ब्लैक हेड्स रिमूव होंगे, वाइट हेड्स, और स्किन के जो डेड सेल्स है वो भी रिमूव होके स्किन बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग और ग्लोइंग करता है। तो एज यू नो, राइस फ्लावर बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स है जो अपने स्किन को ब्राइट करता है, और गुलाब जल स्किन को अपने टाइट और लाइट फेयर करता है। साथ में एलोवेरा जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है स्किन को फेयर बनाता है, साथ में लाइनिंग्स, फाइन लाइन्स को रिमूव करता है, और ये स्क्रबिंग हेल्प करेगा आपके ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में और साथ में वाइट हेड्स और डेड सेल को रिमूव करके चेहरा बनाएगा शाइनिंग। तो फ्रेंड्स, हमें स्क्रबिंग करना है जिससे हमारे ब्लैक हेड्स रिमूव होंगे और स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग करेगा इस तरह से स्क्रबिंग प्रोसेस करने से। तो फ्रेंड्स, अगर आपके नोज़ के पास ब्लैक हेड्स वगैरह है तो उसमें ज़्यादा अप्लाई कीजिए, और जिस तरफ भी डेड सेल्स वगैरह है उसमें जेंटली हाथों से अपने अच्छे से मसाज कीजिए सिर्फ 2 मिनट के लिए एक्सेप्ट आइस के। मैं पूरे फेस पर कर रही हूँ, और जहाँ पर आपके ज़्यादा ब्लैक हेड्स वगैरह है वहाँ आप अच्छे से स्क्रबिंग कीजिएगा बिल्कुल जेंटल हाथों से। अब फ्रेंड्स, आफ्टर 2 मिनट्स स्क्रबिंग करने के बाद हम फेस को वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आफ्टर स्क्रबिंग के बाद अब हम बनाने वाले हैं फेशियल क्रीम जेल। तो ये बहुत ही ज़्यादा अपने स्किन को देगा गोल्डन इफेक्ट। तो इसके लिए मैं ऐड करूँगी एक बोल में 1 टेबल स्पून के बराबर एलोवेरा, साथ में पिंच ऑफ हल्दी, तो फ्रेश हल्दी लेना है आपको बिल्कुल, और साथ में मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून के बराबर हनी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब हम इसे अप्लाई करेंगे अपने फेस पे एक्सेप्ट आइस, पूरे फेस पे हमें लगाना है और इसे 10 मिनट तक यूं ही छोड़ देना है।
इसे मैंने नेक पे भी अप्लाई किया है। आफ्टर 10 मिनट फेस को वॉश कर लेना है, बट मैं यहाँ वेट टॉवल से आपको पोंछ के दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा गोल्डन इफेक्ट आता है, तो हल्दी बहुत ही अच्छा इफेक्टिव होता है अपने स्किन के लिए। जो भी स्कार्स वगैरह है, जो भी आपके स्किन में पैचेस है, वो सारे को रिमूव करता है, झाइयों को रिमूव करता है, और हनी अपने स्किन को टाइट करता है, एंटी एजिंग का काम करता है। तो आप देख सकते हैं स्किन में इंस्टेंट ग्लो आता है ड्यू टू हनी। अब लास्ट स्टेप है फेशियल का, जिसके लिए मैंने लिया है चंदन पाउडर, साथ में मुल्तानी मिट्टी है और एलोवेरा, और हमें लगेगा साथ में गुलाब जल। तो फ्रेंड्स, अच्छी क्वालिटी का मुल्तानी मिट्टी का पाउडर और चंदन पाउडर लीजिएगा। तो 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऐड किया मुल्तानी मिट्टी, साथ में 1/2 टेबलस्पून चंदन पाउडर, और 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है एलोवेरा। साथ में ऐड करेंगे रोज़ वाटर यानी गुलाब जल, और इसकी अच्छी सी एक कंसिस्टेंसी बना लेंगे स्मूथ पेस्ट। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना है। अब हम इसे चेहरे पे स्प्रेड करेंगे एक्सेप्ट आईज के। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने एलोवेरा यूज़ किया है, साथ में मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन को बहुत ही अच्छा फेयर करता है, टाइट करता है, जो भी आपके स्किन में झाइया वगैरह है उसको रिमूव करता है। साथ में सैंडलवुड के भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है स्किन के, बहुत बेनिफिट है इसके। और साथ में है रोज़ वाटर जो स्किन को टाइट करता है और देता है इंस्टेंट ग्लो, और जो भी ऑयलीनेस है आपके स्किन में उसे रिमूव करेगा ये। एक्सेप्ट आइस के आपको सारे जगह लगाना है, आप चाहे तो इसे नेक पे भी लगा सकते हैं। और अगर आपका ये पेस्ट बच जाता है तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए और दूसरे दिन नेक्स्ट डे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे 10 से 15 मिनट्स के बाद हम इसे धो लेंगे, बट मैं इसे वेट टॉवल से पोंछ कर दिखाती हूँ आपको इंस्टेंट ग्लो। तो फेस मास्क लगाने के बाद पूरी तरह से इसे सूखने नहीं देना है, ओनली 80% इसे सूखने देना है। कोई भी फेस मास्क अगर आप लगाते हैं तो पूरी तरह से उसे मत सूखने दीजिए, नहीं तो आपके जल्दी रिंकल्स पड़ते हैं। तो 80% ड्राई होने के बाद मैंने इसे पोंछ लिया है। आप पूरे फेस को वॉश कर सकते हैं, बट मैं आपको इंस्टेंट दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा शाइनिंग आता है चेहरे में। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं सिर्फ मैंने वेट टॉवल से पोंछा है। आप इसे ज़रूर वॉश कीजिएगा फेस को, बट मैंने आपको दिखाने के लिए वेट टॉवल से पोंछ के दिखाया है। तो आप देख सकते हैं स्किन कितना स्मूथ हो चुका है और शाइनिंग विदाउट एनी मेकअप, और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग आता है इसके चेहरे में। तो इस स्टेप को फॉलो कीजिए एटलीस्ट वीकली ट्वाइस, 2 बार आप हफ्ते में इसे ज़रूर लगाइएगा और देखिएगा इंस्टेंट ग्लो। इसके बाद एज यूजुअल मैं अप्लाई करती हूँ गुलाब जल। आप चाहे तो इसके बाद भी एलोवेरा का लगा सकते हैं और डैप कर लेना अपने चेहरे पे। और पूरे चेहरे पे मैं लगा लूंगी और देखें इंस्टेंट शाइनिंग ग्लोइंग फेस बिल्कुल।